सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी M33 लॉन्च किया है, तो M सीरीज का ही हमें एक नया डिवाइस देखने को मिलेगा जिसका नाम आपको देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M53 5G। तो ये जो स्मार्टफोन आपको M32 का एक सक्सेसर मॉडल देखने को मिलेगा, यानी कि इस डिवाइस में हमको काफी अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन टोटली कन्फर्म हो चुकी है कि क्या इसमें आपको डिजाइन, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका प्रोसेसर और कैमरा, हर एक चीज इस स्मार्टफोन की कन्फर्म हो चुकी है कि कैसा ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो स्मार्टफोन है वो बजट कैटेगरी में हमें देखने को मिले, तो अगर आपने प्लान किया एक बजट कैटेगरी में एक 5G स्मार्टफोन बाय करने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग है, प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो डिजाइन की अगर हम बात करें तो इसका जो डिजाइन है आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और एक फ्रंट साइड में एक पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको जैसे कि M33 का जैसे डिजाइन देखने को मिलता है, कैमरा स्क्वायर टाइप हमें देखने को मिलते हैं, वैसा ही इसका डिजाइन आपको कुछ वैसा ही हमें देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग पैनल देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज, तो ये दोनों ही चीजें काफी अच्छी स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर देखें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MediaTek से आने वाला MediaTek Dimensity 900 सीरीज, जो कि आपको एक काफी अच्छी सीरीज हमें देखने को मिल जाती है और इसमें आप काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर रैम वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको 8GB रैम और एक 6GB रैम वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप स्मार्टफोन में गेमिंग वगैरह करते हैं, तो आपको काफी अच्छी गेमिंग लाइफ हमें देखने को मिलेगी और 6GB रैम और 8GB रैम के साथ आप काफी अच्छी स्मार्टफोन में मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो मेन कैमरा वो है 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और एक 2 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर आपको 4K at 30fps देखने को मिलेगी और इसमें आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन में काफी हेल्पफुल करेगा। और वहीं पर अगर देखें स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा, तो वो हमें देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का और इसकी भी आपको वीडियो रेजोल्यूशन फुल HDR 30fps देखने को मिलेगी। तो कैमरा वाइज एक काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हमें इस बार देखने को मिलेगी सैमसंग की तरफ से, क्योंकि प्रीवियस मॉडल में आपको इतना मेगापिक्सल का कैमरा नहीं देखने को मिलता था, बट इस बार आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि डिटेलिंग लेवल में आपको काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी करने को देखने को मिल सकती है और OIS के साथ आप काफ़ी अच्छी नाइट शॉट्स भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें लास्ट में इस स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की लार्ज बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 25W चार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर भी सेम आपको यहाँ पर चार्जिंग इन बिल्ड बॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। सो ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि मैं सैमसंग गैलेक्सी M33 5G की देखने को मिल जाती। बात करें स्मार्टफोन की कुछ प्राइस और इसकी लॉन्च डेट के बारे में, तो प्राइस की अगर हम बात करें, तो वो तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या हमें देखने को मिलेगी, बट एक्सपेक्टेड है कि 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका प्रीवियस मॉडल भी इतनी ही प्राइस का हमें देखने को मिला था, बट यहाँ पर ये भी मॉडल आपको शायद इतनी ही प्राइस में देखने को मिले। तो लॉन्च डेट की अगर हम बात करें, तो ये जो स्मार्टफोन आपको इसी ही मंथ हमें देखने को मिल सकता है। सैमसंग इस स्मार्टफोन को ऑफिशियली लॉन्च कर देगा इसी ही मंथ में, तो आपको डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो क्या इस स्मार्टफोन के लिए आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से एक काफ़ी अच्छा 25,000 में अगर हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाए, तो काफ़ी एक बेहतरीन स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस पर आपको इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो कैमरा वाइज आप काफी अच्छा स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा। तो आप डेफिनेटली स्मार्टफोन की वेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट जरूर करना, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।